दूर वाले छोट से गेंदबाज तैयार होते हुए नजर, साहिल गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। वो आखिरी गेंद पे 4 रन चाहिए। ओवैस एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑफ स्टंप के आसपास एक गेंद मिली, ड्राइव किया गेंद को, खूबसूरत टाइमिंग के सारे गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और यहां से राइजिंग स्टार बद्रकुंड की टीम ने मैच जीता है। रोहित शर्मा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, एक ओवर में 15 रन चाहिए, कैसे कमेंट करते हैं जी? आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए और वहाँ बल्लेबाज रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज लास्ट स्टेज पे वो मतलब खेल रहे हैं, और वहाँ गेंदबाजी में शाहीन आफरीदी वो कमाल के गेंदबाज है। गांधरबल के यूथ में टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम इस टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि एक कमेंटेटर हैं और गांधरबल से ताल्लुक़ रखते हैं। आखिर इनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने कमेंट्री को अपना प्रोफेशन जो है, अपना फ्यूचर जो है वो क्यों बनाया है और कब से कमेंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ और कहाँ से आप? मेरा नाम मंजूर अहमद, मैं बद्रकुंड गांधरबल में रहता हूँ। एक्चुअली पिछले 10 सालों में यहाँ मैं रह रहा हूँ गांधरबल में। एक्चुअली मैं बलवाड़ीपुरा का रहने वाला हूँ, तो 10 साल हो गए मुझे अब गांधरबल में, मेरी शादी यहाँ हो गई, अब मैं यहाँ एडजस्ट हो गया गांधरबल में। कमेंट्री आप 10 साल से कर रहे हो? जी 2007 से कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन लाइव कवरेज पे जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो मुझे मौका मिला है जेके स्पोर्ट वाणी फोर अवर्स पे। तकरीबन पिछले 2-3 महीने से कमेंट्री कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे कॉल आया अपना मॉगरेट दोस्त का, उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया जेके स्पोर्ट वाणी फोर अवर्स पे। बिल्कुल, हमें बताया कि आपने कमेंट्री को अपना फ्यूचर आप बनाया है, अपना प्रोफेशन आपने बनाया है, क्या लगता है आपको कमेंट्री का यहाँ पे स्कोप है? जी बिल्कुल, आज सपोर्ट्स में ज़्यादा काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं लोग और इस चीज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है, एंटरटेन मिल रहा है लोगों को और आनंद लोगों को आना चाहिए इस चीज़ से, और जिसके नतीजे हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों को मतलब ड्रग से बचे और वो क्रिकेट में ज़्यादा अहम रोल अदा करें। हम भी यही चाहते हैं कमेंट्री करते हुए लोगों को आनंद आए। आज से 10 साल पहले की बात करेंगे, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि 10 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, सपोर्ट कैसा रहा लोगों का? पहले लोगों का सपोर्ट मिलता था आपको ज़्यादा? अगर बात की जाए 2007 से मैं कमेंट्री कर रहा था, बॉक्स कमेंट्री यानी कि मतलब प्रोफेशनल कमेंट्री जो पिछले 2-3 महीनों से कर रहा, तब से मुझे ज़्यादा प्यार फील हो रहा है और एक बड़े पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग पे वो लाइव कर रहा हूँ, उस पे ज़्यादा ही प्यार मिलता है क्योंकि व्यूअर्स जुड़े रहते हैं। जो हम कमेंट्री फाइनलों पे किया करते थे वहाँ सिर्फ आपको लोग देखते हैं, अब नेट का सिस्टम ज़्यादा दिन ब दिन वायरल हो रहा है, जिसके नतीजे बहुत सारा प्यार मिल रहा है जेके स्पोर्ट 24 आवर्स के माध्यम से और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पिछले 2 सालों की बात करेंगे, आपका कोई ऐसा सीन याद है जिससे आप फेमस हुए थे, जिसके बाद लोगों ने आपको प्यार ज़्यादा दिया था? नहीं, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स भी है, फैंस भी, और जितने भी मतलब दोस्त थे वो कह रहे थे आप लाइव स्ट्रीम पे कमेंट्री क्यों नहीं कर रहे, लेकिन फिर मौका मुझे मिला। जेके स्पोर्ट 24 आवर्स का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, उनके साथ माग्रे फिरदौस जो एक सीनियर कमेंटेटर है उनने मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट किया इस चीज़ में कि आप कमेंट्री कर सकते हैं जेके स्पोर्ट 24 आवर्स के साथ। फिर मैंने वहाँ कमेंट्री किया, तब से मुझे बहुत प्यार मिला लोगों की तरफ से। बिल्कुल, अगर हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे, यूथ सपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्या लगता है आपको, आपको कुछ फ़ायदा हुआ उनसे, कुछ हेल्प मिली आपको उनसे? जी बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि एक प्यार ही इंसान के लिए काफ़ी है, और पैसों से बेहतर अगर प्यार ही मिले लोगों का तो वो हमारे लिए बहुत कुछ है। फ्यूचर है इसमें यहाँ पे कश्मीर में? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त फ्यूचर है और दिन ब दिन जितना लोगों का प्यार मिल रहा है उसका हम शुक्रगुजार है, जिसकी वजह से काफ़ी प्यार मिल रहा है और फ्यूचर भी और काफ़ी आनंद आता है, हमें भी सुकून मिलना चाहिए, मतलब वो सुकून हमें लोग दे रहे हैं। रोहित शर्मा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, एक ओवर में 15 रन चाहिए, कैसे कमेंट कर सकते हैं जी? आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए और वहाँ बल्लेबाज रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज लास्ट स्टेज पे वो मतलब खेल रहे हैं, और वहाँ गेंदबाजी में शाहीन आफरीदी वो कमाल के गेंदबाज है। यकीनन हमने लास्ट तक नहीं देखा है शायद आफरीदी शाहीन शाह आफरीदी को मतलब रोहित शर्मा के सामना करते हुए, रोहित शर्मा जो सामना करे आखिरी मरतबा, मतलब एंड तक नहीं देखा, लेकिन अगर होता भी ऐसा तो एक ज़बरदस्त फील उस टाइम होता है, और क्रिकेट में काफ़ी ज़बरदस्त उस टाइम 6 गेंद में 15 रन, ये रोहित शर्मा मतलब क्लास है उनकी, वो इस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, और या शाहीन आफरीदी की बात करें उनमें भी काफ़ी क्लास है, वो क्लास के गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी की, मतलब ये एक बड़ा मैच हो सकता है उन दोनों के बीच अगर फाइनल में 15 रन चाहिए, और डिफेंड करे चाहे शाहीन आफरीदी हो या बड़े खिलाड़ी है, रोहित शर्मा एक सुपर हिट बैट्समैन है, हिटलर के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, कोई यादगार सीन आपका, कोई यादगार लम्हा आपका वो हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिए, जब आप कमेंट्री करते थे या दो टीमों के बीच में मैच होता था तब जाके आप कैसे कमेंट्री करते थे? एक अच्छा ज़बरदस्त मुकाबला जब हो उस टाइम काफ़ी आनंद आता है, और लोगों का जो जुनून है ना, जो उनका प्यार है ना, उसकी बदौलत से काफ़ी महसूस अच्छा हो रहा है कमेंट्री करना। यानी कि अगर एक गेंद में 4 रन चाहिए, उस टाइम बल्लेबाज किस अंदाज से खेले, अगर मतलब गेंदबाज की बात कीजिए वो भी मतलब उस तरीके से एक शानदार गेंदबाजी उस टाइम क्या करते हैं, और बल्लेबाज के पास भी काफ़ी प्रेशर होता है उस टाइम, प्रेशर सिचुएशन वाला गेम होता है। दो टीमों के बीच में मैच चल रहा है, आखिरी ओवर है, एक गेंद में 4 रन चाहिए, आप कमेंट्री कर रहे हो, कैसे आप कमेंट्री कर सकते हो?
दूर भले छोट से गेंदबाज तैयार होते हुए नजर, साहिल गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आखिरी गेंद पे चार रन चाहिए। ओवैस एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑफ स्टंप के आसपास एक गेंद मिली, ड्राइव किया गेंद को, खूबसूरत टाइमिंग के सारे गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए, और यहां से राइजिंग स्टार बद्रकुंड की टीम ने मैच जीता है। शानदार मुकाबला जारी था जो फिनिश करते हुए दिखे, ओवैस एक शानदार टैलेंटेड बल्लेबाज है। बिल्कुल, अब अगर आपको मौका मिलेगा कहीं पर कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपसे प्यार करते हैं, या वादी कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्री को ढूंढते हैं कहीं पे मैच होते हैं, वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जेके स्पोर्ट 24 आवर्स का जो पेज है उस पर हमें टैक्स करके दे सकते हो, वो मैसेंजर पे वो हमें टैक्स कर, या नंबर पे भी वहाँ हमने जो नंबर डाला है उस पर वो हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन कमेंट्री में आपको लगता है कि यहाँ पे आपको सुकून है, आपकी इनकम इस पर चलती है? जी अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मेरी जो क्वालिफिकेशन है ज़्यादा नहीं है, मैं 10 से नीचे हूँ, यानी कि 9 तक मैंने पढ़ा है। ये मतलब अपनी जगह एक फ़खर महसूस कर रहा हूँ, इस तरीके से कमेंट्री कर रहा हूँ, जो सीख मिली है मतलब रेडियो कमेंट्री से, फिर कश्मीर में जो देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंटेटर्स जो आगे आ रहे हैं, पहले अगर बात की जाए वहाँ नासिर डार जैसे कमेंटेटर, मनवर जैसे इंग्लिश कमेंटेटर, उनके साथ साथ हिंदी कमेंटेटर नज़ीर अहमद जैसे जो सपोर्ट्स टाइम पे कमेंट्री कर रहे हैं, उनसे मतलब काफ़ी सीख मिलती है कमेंट्री करने की। लोग आपको कहाँ पे वॉच करेंगे? लोग हमें जेके स्पोर्ट 24 आवर्स पे वॉच कर सकते हैं, और अगर कहीं पे भी कमेंटेटर की ज़रूरत है इन्वाइट कर सकते हैं, हम यकीनन तैयार रहते हैं कमेंट्री करने के लिए।